पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात हुई है। बाइडन ने पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़ाने के अजम का इजहार किया है। मसूद खान ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर से दीगर 46 ममालिक के सफीरों ने भी मुलाकात की और ऑफिशियल फोटो सेशन में शिरकत की। अमरीकी सदर ने हर सफीर के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राना मौजम अली से। मौजम बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, आज 14 जून को पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने सदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है और अपनी तैनाती के इस्लाह जो है वो पेश की है। मुख्तसर मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तल्लुकात पर भी बातचीत हुई है और एक दूसरे के साथ तावन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वाजे रहे कि पाकिस्तान के सफीर 25 मार्च को बतौर सफीर से तैनात हुए थे और आज 14 जून को सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी जो तैनाती की इसनाद है वो पेश की और बकायदा तौर पर आज ऑफिशियली तौर पर उन्होंने आज से काम शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मौजम, आपने अपडेट किया।